ऑगदन सो अब आ रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यू कैन से सिमुलेशन, केक वेंडर वाला क्वेश्चन सर, केक वेंडर वाला क्वेश्चन। अगर आप सिमुलेशन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो शायद आपको पता नहीं होगा इस क्वेश्चन की अहमियत, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस। बट इफ यू हैव ऑलरेडी गिवन एनी अटेम्प्ट्स तो आपको पता है कि ये पीएम का क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग है। बट अब अपन जब इसको सॉल्व करेंगे सो आई एम श्योर दैट ये जो डिफिकल्ट प्राइमा फेसी लग रहा है नहीं लगेगा एंड वी विल बी एबल टू टैकल इट इन अ मच बेटर मैनर। क्या बोलते हो, ऑल सेट? सो ऑन दैट नोट स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन के साथ, अ वेरी फेमस केक वेंडर क्वेश्चन। जी हाँ, तो देखोगे अगर आप लोग इसका बिगिनिंग भी देखोगे ना तो क्या है, केक वेंडर। सो इट्स अ वेरी फेमस केक वेंडर क्वेश्चन एंड सर एग्जाम में आ सकता है क्या? डेफिनेटली आ सकता है, फुल स्कोप है इसका, देखते हैं, टाइम विल टेल आएगा कि नहीं। बट अब तक उन्होंने नहीं पूछा है एंड स्टूडेंट हमेशा डर रहता है सर ये आ गया तो, सर ये आ गया तो। यूट्यूब पे कई बार मुझे रिकमेंडेशन आते हैं कि सर एटलीस्ट ये वाला एक क्वेश्चन का बना दो ना, आ गया तो। सो यही आ गया तो का जवाब लेकर अब मैं आ गया हूं आपके पास एंड लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन सिस्टमैटिकली, स्मूथली एंड लेट्स टैकल इट यार। चलो स्टार्ट करते हैं ऑन दैट नोट। केक वेंडर, सॉरी यस, अच्छा इसका अगर आपको देखना हो तो तुम्हारे पीएम में भी है ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पीएम में भी है, केक के बड़े ही क्वेश्चंस है आईसीएआई के बुक में, आईसीएआई लाइक्स केक सीन्स। चलो ये रहा, सो अ केक वेंडर, ये है कोई पेज नंबर तुम्हारे 15.26 ऑफ योर पीएम। जी हाँ, क्वेश्चन 12 एंड 13 बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, पेज 15.26 ऑफ योर पीएम एंड ऑब्वियसली अगर आपके पास ऑप्टिमाइज्ड है तो टेंशन ही नहीं है, क्वेश्चन 14, 15 अपने बुक में वही चीज के हैं। चलो रे लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यस, अ केक वेंडर बाइज पीसेज ऑफ केक एवरी मॉर्निंग एट रूपीज 4.5 ईच बाय प्लेसिंग हिज ऑर्डर वन डे इन एडवांस एंड सेल्स देम एट रूपीज 7 ईच। जी हाँ, तो ये केक वेंडर है जो खुद कितने में खरीदता है, places an order one day in advance। वर्डिंग देख रहे हो तुम लोग, स्टार्टिंग से ही कंफ्यूजन क्रिएट। वन डे इन एडवांस ऑर्डर देता है तो समझो आज मेरे को बेचना है तो कल मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा एंड कल यानी यस्टरडे मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा एंड टुडे मुझे केक मिल जाएगा। कितने में मिलता है वो केक सर? 4.5 में। एंड सेल्स देम एट रूपीज 7 ईच, कितने में बेचता हूं मैं उसको? 7 रुपए में। सो मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 7, वेरिएबल कॉस्ट है 4.5। ठीक है सर, विल राइट इट हियर। सो केक वेंडर वाला क्वेश्चन है ये, जो भी क्वेश्चन बोलते हैं ना उसको लिखते जाओ, जितना लिखते जाओगे उतना ग्रिप आएगा क्वेश्चन के ऊपर, मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर यू। सो सेलिंग प्राइस कितना है मेरा? 7। वेरिएबल कॉस्ट कितना है मेरा केक का? 4.5। सो केक के ऊपर मैं कंट्रीब्यूशन कितना कमा रहा हूं? वो 2.5। समझू सर, ठीक है। अनसोल्ड केक कैन बी सोल्ड नेक्स्ट डे एट रूपीज 2 पर पीस। ओ बिकॉज अभी वो स्टेल होने आया ना, सो इसके लिए ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा उसका। एनीवेज इंफॉर्मेशन दिया है, अपन उसको भी लिख लेंगे। अगर अनसोल्ड केक है, क्या बोला? अगर अनसोल्ड केक है देन इन दैट केस उसको भी अपन लोग सेल कर सकते हैं एट द रेट कितने में? एट द रेट 2 पर पीस, एट द रेट रुपीज 2, एट द रेट रुपीज 6। चलो कंटिन्यू करेंगे एंड देयर आफ्टर इट शुड बी ट्रीटेड एज नो वैल्यू। द पैटर्न फॉर डिमांड ऑफ केक इज गिवन बिलो। फ्रेश केक डेली सेल और प्रोबेबिलिटी दिया है, वन डे ओल्ड केक डेली सेल और प्रोबेबिलिटी दिया है। यूज द फॉलोइंग सेट ऑफ रैंडम नंबर्स, फ्रेश केक के लिए दिया है एंड वन डे ओल्ड केक के लिए दिया है, ठीक है। द वेंडर अडॉप्ट्स द फॉलोइंग रूल, व्हाट इफ देयर इज, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
if there is no stock of cake with him at the end of previous day, he orders for 110 pieces. Otherwise, he orders 100 or 105 pieces, whichever is nearest actual fresh cake sale on the previous day. Very, very crucial point. Kya bol raha hai wo dekho. If there is no stock of cake with him at the end of previous day, then he orders 110 pieces. Otherwise, he orders 100 or 105 pieces, which is nearest to actual fresh cake sale on the previous day. Matlab, can I say pura ka pura game previous day ka hai? Pura ka pura game previous day ka hai? To, kya bolta hai wo? 110 pieces agar no stock hai to. So, no stock wala situation hai, to 110 pieces and previous day pe agar stock वाला सिचुएशन है तो 100 या 105 डिपेंड्स ऑन 100 या 105 डिपेंड्स ऑन सेल ऑफ प्रीवियस डे ऑफ प्रीवियस डे तो वो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि अपने को कितना ऑर्डर करना है करके ओके नो प्रॉब्लम्स सो ओवरऑल एक आइडिया आ गया है अपने को रिक्वायर्ड बोला है बहुत क्रूशियल है ये स्टार्टिंग विद जीरो स्टॉक एंड द पेंडिंग ऑर्डर ऑफ 105 पीसेस सो पेंडिंग ऑर्डर ऑफ 105 पीसेस अपने को आज कब मिलेगा आज मिलेगा एक दिन एडवांस में अपन ऑर्डर करते हैं तो आज मिल जाएगा अपने को वो ऑर्डर करके राइट ओके सिमुलेट फॉर 10 डेज एंड कैलकुलेट वेंडर्स प्रॉफिट चलो अभी वेरी ऑल सेट यस सर लेट्स डू इट सो सबसे पहले देखो ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है अपने को एक आइडिया आ गया है कि एक केक वेंडर है जो केक बेचता है और ढाई रुपए का 2.5 रुपीस का प्रॉफिट अर्न करता है अनसोल्ड केक ही कैन सेल इट एट रुपीज ट्यू अब मेरे को एक दिन पहले ऑर्डर करना पड़ता है सो व्हेन विल आई ऑर्डर बेस्ड ऑन माय प्रीवियस डे सेल सो मेरे को जब ऑर्डर करना है तो मैं देखता हूं कि प्रीवियस डे पे मेरा अगर नो स्टॉक है तो 110 एंड अगर स्टॉक में बचा है देन इन दैट केस सेल ऑफ प्रीवियस डे के हिसाब से मैं डिसाइड करता हूं कि मेरे को 100 ऑर्डर करना है या 105 अगेन आई एम टेलिंग यू देखो यहां पे ये पॉइंट सबसे क्रूशियल है क्या इफ देयर इज नो स्टॉक of cake with him at the end of the previous day, he orders 110 pieces. Otherwise, he orders 100 or 105 pieces, which is nearest actual fresh cake sale on the previous day. समझ गए ठीक है चलो अब इसको अप्लाई कैसे करना है ऑब्वियसली दैट इज अ चैलेंज जो अपने को एक्सेप्ट करना है एंड मूव ऑन बट उसके पहले वो ही प्रोबोरिंग वाला प्रोबेबिलिटी टेबल तो बनाना पड़ेगा ना बॉस सो ये अपना प्रोबेबिलिटी टेबल आ जाएगा एक ऊपर वाला फ्रेश केक के लिए एंड जो नीचे वाला है वो स्टेल केक के लिए या यूज्ड केक के लिए राइट चलो सो 1, 2, 3 and 4 सो ये मेरा फ्रेश केक वाला जो बनेगा वो एंड यहां पे जो मेरा यूज्ड केक वाला है वो वाला समझू चलो कंटिन्यू करते हैं अब सो क्या रे वो बोला है तो देखो डेली सेल केक ओ माय गुडनेस 100 से लेकर 110 तक का स्कोप है यहां पे सो 100 101 102 103 ओके 100 101 102 103 104 105, 106, 107, 108, 109, 110. Samjhu sir. And daily sale ka kya hai? 0, 1, 2, 3. So, idhar likh denge apan 0, 1, 2, 3. Perfect sir, samajh gaye? No problems. Okay. Ab kahani ko aage badhayenge. Theek hai. कहानी का आगे बढ़े चलो ठीक है नाउ क्या बोला है देखो इधर प्रोबेबिलिटी क्यूम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी
एंड इधर आ जाएगा मेरा रेंज, फटाफट इसको निपटा देंगे, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इधर प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एंड रेंज। चल प्रोबेबिलिटी क्या है क्विकली देन, 0.01, ओहो बहुत छोटा वाला प्रोबेबिलिटी है ये तो 0.01, 0.03, 0.04, 0.07, ओके सो 1347, 1, 0, 1, 0, 3, 0, 4, 0, 7, 9, 11, 15, 21, 9, 11, 15, 21, 18, 9, 2, क्या लिखेंगे 18, 9, 2, ओके, ओके सर, नो वरीज। चलो सो अब इस बेसिस पे क्विकली फटाफट सम को सॉल्व करते हैं। सो 0.01, 0.04, 0.08, 0.15, 0.74, 0.35, 0.71, 0.98, 0.98, 1.0, समझू सर। अब आते हैं रेंज पे, तो देखते हैं रेंज क्या बैठ रहा है अपना, 0, 0 से 0, 0, 1 है ना, तो 1 में कभी भी रेंज 0, 0 ही रहेगा, बिकॉज 0 इज ऑल्सो अ नंबर फॉर द पर्पज ऑफ रेंज, बिकॉज ये मेरे को 99 पे क्लोज करना होता है यार, बिकॉज मेरे को जो लास्ट वाला है वो 99 पे क्लोज करना होता है, ठीक है। चलो अब और क्या है नेक्स्ट, 4 तक है, सो माइनस 1 का अपना सिस्टम है वही चलते रहेगा करके, राइट। सो 0, 1 से लेकर 0, 3 तक, फिर अगेन माइनस 1 हियर, सो 0, 4 से 0, 7, 8 से 14, 15 से 23, 24 से 34, 35 से 49, 50 से 70, 71 से 88, 89 से 97, 98 से 99। Done and dusted यार, शाबाश, yes। चलो चलो next probability आएगा 0.72802, so 0.70, 0.20, 0.08, 0.02, सही है, ओके सर। क्यूम्युलेटिव 0.7, 0.9, 0.98, 1.00 एंड रेंज आ जाएगा 0, 0 से 69, 70 से 89, 90 से 97, 98 से 99, समझू समझू सर। तो ये तो एकदम सिंपल था, कर दिया अपन ने। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, नाउ दिस इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग दैट वी आर डूइंग, मोस्ट क्रूशियल। तो अगर आपको पता हो तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला था दैट कुछ ऑर्डर ऑलरेडी प्रीवियस डे पे दे दिया है, जो अब आएगा मेरे पास 105 पीसेस का, सो विद अ जीरो स्टॉक एंड अ पेंडिंग ऑर्डर ऑफ 105 पीसेस, तो आज मुझे कितना रिसीव हो जाएगा, 105 रिसीव हो जाएगा, ठीक है। सो डे 1 है आज, करेक्ट, सो मेरे को आज 105 पीसेस रिसीव हो जाएगा, तो इधर मैं लिख देता हूं ऑर्डर रिसीव्ड, इधर मैं लिख देता हूं ऑर्डर रिसीव्ड, ड्राफ्ट बना रहा हूं, ऊपर नीचे हो सकता है। कितना ऑर्डर रिसीव हुआ है सर, 105 केक्स का, कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि यहां पे दिया है पेंडिंग ऑर्डर ऑफ 105 पीसेस। सिम्युलेट फॉर 10 डेज एंड कैलकुलेट वेंडर्स प्रॉफिट, ठीक है। चलो सो ये 105 हो गया सर, नो प्रॉब्लम, उसके बाद क्या आएगा बताओ। अब फ्रेश केक कितना मेरा सेल होने वाला है, उसका डिमांड है ये भाई, ये डेली सेल का ही इंफॉर्मेशन दिया है ना कि कितना सेल होने वाला है, सो कैन आई से फ्रेश केक का कितना डिमांड आ रहा है वो लिख लेंगे। तो नेक्स्ट मेरा आ जाएगा रैंडम नंबर एंड उसके हिसाब से जो डिमांड ऑफ फ्रेश केक्स, करेक्ट, ऑलराइट, सो आई विल राइट योर रैंडम नंबर एंड डिमांड ऑफ
फ्रेश केक, ठीक है सर। रैंडम नंबर कितना है मेरा बताइए जरा, रैंडम नंबर है 37, ठीक है। सो इधर मैंने लिख दिया 37, अच्छा डिमांड ऑफ फ्रेश केक 37 रैंडम नंबर के लिए, क्या ना इसे यहां पे फैल करता है वो, देखो कहां पे, यहां पे क्या इसे यहां पे फॉल करता है वो, करेक्ट। सो क्या आ जाएगा मेरा डिमांड ऑफ फ्रेश केक 106, समझू डू, यस 106, ओके सर समझ में आ गया, नो टेंशन, ठीक है सर। अब बात कुछ ऐसी है कि ये 105 का डिमांड आया, ऑर्डर तो खाली 105 का दिया है, तो कहना इसे अब मेरे पास स्टॉक कितना बच जाएगा, जीरो का स्टॉक बचेगा। सो इधर मैंने बना दिया इमीडिएटली क्लोजिंग स्टॉक जो हो जाएगा मेरा जीरो, समझ में आ रहा है इधर तक बराबर, ठीक है, ठीक है सर। सो अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक जीरो बच गया। नाउ सो मैंने सेल कितना किया 105, तो मैं क्या बोलता हूं इधर एक सेल का भी अमाउंट लिख देता है, इधर लिख देते हैं एक्चुअल सेल, डिमांड कितना है वो जरूरी नहीं ना सेल हो जाए, क्योंकि डिमांड तो है 106 का पर सेल 105 हुआ है, इससे मुझे पता चल गया कि मेरे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। सो मेरे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा, जीरो। कैन आई से इस क्लोजिंग स्टॉक के बेसिस पे मैं ऑर्डर इनिशिएट करूंगा, क्वेश्चन को देखो बराबर, क्वेश्चन को देखो बराबर, स्टार्टिंग विद जीरो स्टॉक, ओपनिंग कुछ भी नहीं था, एंड अ पेंडिंग ऑर्डर ऑफ 105 पीसेस, सिमिलरली 10 डेज दिवाना है ना, इफ देयर इज नो स्टॉक ऑफ केक विद हिम एट द एंड ऑफ प्रीवियस डे ही ऑर्डर्स 110 पीसेस, अदरवाइज ही ऑर्डर्स 100 और 105 पीसेस विच एवर इज नियरेस्ट। नाउ 100% वाला क्वेश्चन, मेरे को नेक्स्ट डे के लिए जो ऑर्डर करना है वो मैं आज का क्लोजिंग स्टॉक देखूंगा या कल का क्लोजिंग स्टॉक देखूंगा, दैट इज द पॉइंट जिसके बेस पे आपका पूरा का पूरा थिंकिंग चेंज होने वाला है। यस थिंक इट ओवर, जस्ट थिंक इट ओवर। बताओ भाई, सोच के बताओ क्या होगा, ये देखो अब कहना इसे ये क्लोजिंग स्टॉक के बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कितना ऑर्डर करने वाला हूं करके, कहना इसे मैं ये क्लोजिंग स्टॉक के बेसिस पे डिसाइड करूंगा मैं कितना ऑर्डर करने वाला हूं करके, बोलो यस सर, हाँ ठीक है। देखो इधर, इफ देयर इज नो स्टॉक ऑफ केक विद हिम एट द एंड ऑफ प्रीवियस डे ही ऑर्डर्स 110 पीसेस, अदरवाइज ही ऑर्डर्स पीसेस 100 और 105 विच इज नियरेस्ट द प्रीवियस डे। अब देखो यहां पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आया है, जीरो बराबर है, ठीक है। कहना इसे इस बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को कितना ऑर्डर इनिशिएट करना चाहिए, मेरे को कितना ऑर्डर इनिशिएट करना चाहिए, बराबर क्यों नहीं। सो यहां पे मैं लिख दूंगा ऑर्डर, ऑर्डर इनिशिएटेड, बराबर है। तो कितना ऑर्डर इनिशिएट करना पड़ेगा मेरे को, बोलो बोलो टेल टेल, करेक्ट। सो मेरे को ऑर्डर इनिशिएट करना पड़ेगा ऑफ, देखो इधर क्लोजिंग स्टॉक जीरो है ना, तो 110 उधर बोला है, क्लियरली बोलेला है, इफ देयर इज नो स्टॉक ऑफ केक विद हिम एट द एंड ऑफ प्रीवियस डे ही ऑर्डर्स फॉर 110 पीसेस, सो 110 पीसेस ऑर्डर किया, ओके डन। अब हो गया सम, यस। नाउ अगर तुमको याद हो तो वो जो स्टेल हो जाता है ना, खराब हो जाता है, उसको भी तो बेचने का स्कोप है अपने पास, बराबर है। तो लास्ट डे पे मेरा जीरो स्टॉक था, तो आज क्या मेरे पास कुछ भी बचा है क्या, नहीं। सो मैं कुछ बेच पाऊंगा क्या, नहीं। बट अगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक होता तो मैं उसको नेक्स्ट डे बेच पाता। यहां पे क्या बोला है देखो क्वेश्चन में, विद जीरो स्टॉक, मतलब वो लोग के पास जीरो स्टॉक है, कल लास्ट डे, कल जीरो स्टॉक था, तो आज वो लोग के पास स्टेल कुछ भी है, द आंसर इज नो, ठीक है। सो स्टॉक ऑफ इधर क्या लिख देंगे अपन, वन डे ओल्ड स्टॉक या स्टॉक ऑफ, है ना, वन डे ओल्ड स्टॉक बस, ठीक है चलो। सो अपन इधर लिख देंगे वन डे ओल्ड स्टॉक, इधर कितना है जीरो, प्रीवियस डे से आया वो जीरो इधर। अगर वो होता तो उसको भी बेचना पड़ता, तो उसका रैंडम नंबर,
उसका सेल्स, समझे क्या? एंड एंड पिक्चर बाकी है सर, कहाँ बनाओगे? एंड फिर बाद में एक बार अपने को ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि वो पूरी तरह से स्टेल हो गया तो वो जीरो वैल्यू हो जाएगा. सो यहां पे मैं लिख दूंगा रैंडम नंबर, आई विल राइट रैंडम नंबर. इधर मैं दिखाऊंगा सेल ऑफ दिस, एंड यहां पे लास्ट में आएगा इधर क्या लिखूंगा मैं, लॉस, अगर नहीं बेच पाए तो लॉस हो गया. तो इधर तो फिलहाल अभी डैश 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 सब डाल देते हैं, बराबर है? ठीक है, चलो. अभी तो पिक्चर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. टन 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 टन, अभी तो बहुत बाकी है ना कम. अब नेक्स्ट आता है मेरा ऑर्डर रिसीव्ड. तो बात कुछ ऐसी है कि मैंने ऑर्डर इनिशिएट किया था 110 का. अगर मैंने 110 का ऑर्डर इनिशिएट किया था तो मैं ऑर्डर रिसीव भी करूंगा 110 का, तो 110, तो 110 आ गया मेरा. ठीक है, अच्छा रैंडम नंबर कितना है वो करके. सर रैंडम नंबर है मेरा, नेक्स्ट रैंडम नंबर है मेरा 73. सो आई विल राइट यूर 73. अच्छा 73 का कितना डिमांड है वो. सर 73 का डिमांड है, सर 108 का डिमांड है 73 पे. देखो मैंने एरो बनाया है ना. हाँ, सो 108. अच्छा मैं सेल एक्चुअली कितना कर पाऊंगा. देखो ऑर्डर रिसीव है 110 का, मेरा डिमांड है 108 का, तो मैं सेल 108 पूरा कर पाऊंगा. गिविंग मी अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2 बिकॉज मेरे पास 110 का ऑर्डर आ गया है. क्या इससे, इसके बेसिस पे मैं डिसाइड कर लूंगा मुझे कितना ऑर्डर इनिशिएट करना है. अब वेरी क्रूशियल पॉइंट, अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट जीरो, देन वो लोग ने क्या बोला है, देन वो लोग ने क्या बोला है दैट 110 पीसेस, अदरवाइज 100 और 105 पीसेस विच आर इज नियरेस्ट एक्चुअल फ्रेश केक सेल ऑन प्रीवियस डे. तो प्रीवियस डे पे मेरा फ्रेश केक सेल कितना है, 106. सो 106 के बाजू में कौन, 105 है, 105. सो ऑर्डर इनिशिएटेड 105. दैट्स हाउ इट वर्क्स यार, दैट्स हाउ इट वर्क्स. संजू गुरु, संजू सर. अच्छा वन डे ओल्ड स्टॉक अब कुछ रहेगा क्या, द आंसर इज दिस, ये इधर आते जाएगा. तो अब इधर मेरा वन डे ओल्ड स्टॉक है ही नहीं, तो बेचने का सवाल ही नहीं, समझे? चलो अभी तो पार्टी शुरू हुई है. डन 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 डन, नेक्स्ट पे आगे बढ़ रहे हैं. चलो अब ये 105 का जो ऑर्डर इनिशिएट हुआ था वो ये इधर मुझे रिसीव हो जाएगा, वो इधर मुझे रिसीव हो जाएगा. ठीक है, अच्छा कितना रैंडम नंबर है, 14 का रैंडम नंबर है. सो इधर मैं लिख दूंगा 14. अच्छा डिमांड ऑफ फ्रेश केक कितना है वो करके, 14 के लिए. सर 14 के लिए डिमांड ऑफ फ्रेश केक है 103, 14 के लिए डिमांड ऑफ फ्रेश केक है 103. सो इधर मैं लिख दूंगा 103. अच्छा सेल मैं कितना कर पाऊंगा, आया है 105 पर डिमांड का 103 का है, तो मैं इधर लिख दूंगा 103. अच्छा क्लोजिंग स्टॉक कितना बच जाएगा, 2, क्योंकि मेरा 105 का ऑर्डर था जिसमें से 103 का मेरा डिमांड आया, तो 2 का सेल, 2 का क्लोजिंग स्टॉक. समझू, समझू सर. अच्छा अब ऑर्डर इनिशिएट करना पड़ेगा, तो इधर देखो 2 है. अब इस देखो इधर है ना एक एरो बना देने का, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, इधर ये एरो बना देते हैं, इस पे डिपेंडेंट है, तो इधर 2 आ जाएगा, है ना? तो वो सिस्टम सेट हो गया ना, तो थिंग्स विल गो फास्ट. चलो अब क्लोजिंग स्टॉक है 102 का, तो मेरे को प्रीवियस डे का सेल के बेस पे डिसाइड करना पड़ेगा. 100 और 105, तो प्रीवियस डे का सेल है 108, 108 के बाजू में कौन है, 105, 100, 105. सो वी विल से दिस इज 105. ओके अब यहां पे कहानी में आएगा ट्विस्ट, बिकॉज वन डे ओल्ड स्टॉक है, तो वन डे ओल्ड स्टॉक का मेरे को देखना पड़ेगा कि कितना रैंडम नंबर आता है. आ रहा है, डोंट वरी. ठीक है, सो कितना है इधर वन डे ओल्ड केक का, थर्ड डे पे 69, 69, राइट? सो इधर अपन लिख देंगे रैंडम नंबर 69. अच्छा 69 के लिए कितना सेल्स आता है,
जीरो, ओ तो इधर आ जाएगा जीरो एंड ये लॉस हो जाएगा। सो देखो ये वाला अब फाइनली जो इधर था इधर तक सेल कर सकते थे बट डिमांड ही नहीं आया, सो वी विल से दिस इज आर लॉस, दिस इज आर लॉस। समझी गुडू? समझू सर? अब समझ रहे हैं सर बात को, अब पूरी तरह से अब सिस्टम सेट हुआ है। गुड गुड गुड। कितने ट्रायल्स है यार, कितने ट्रायल्स रन कर रहे हो गए, कितने मेरे ट्रायल्स? अच्छा है अभी तो 4, 5, 6, 10 ट्रायल्स है टोटल। ठीक है, नो प्रॉब्लम, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, कंटिन्यू करते जाना है, कंटिन्यू करते जाना है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कैन आई से ये मेरा 10 तक हो गया। फटाफट अब मैं इधर रैंडम नंबर भर दूंगा सो दैट एटलीस्ट मेरे को उतना टाइम वेस्ट मेरा बच जाएगा। सो क्विकली रैंडम नंबर्स प्लीज, फ्रेश के का 17, 24, 35, 17, 24, 35, सो 17, 24, 35 एंड देन 29, 37, 33, 68 समझो? समझो सर, ओके। चलो यहां पे ऑर्डर इनिशिएट किया था 105, सो नाउ वी विल गेट इट हियर। अब पेस बढ़ेगा, अब रफ्तार बढ़ेगी, ओके चलो। नाउ डिमांड ऑफ फ्रेश केक, डिमांड ऑफ फ्रेश केक इज हाउ मच फॉर 17? सो 17 के लिए डिमांड ऑफ फ्रेश केक इज 104, करेक्ट? सो इट इज 104। सो सेल कितना होगा? 105 का ऑर्डर है, डिमांड आया है 104 का, सो कैन आई से दिस विल बिकम 104? परफेक्ट सर, ओके। क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा मेरा अभी, क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? यस, सो 105 का ऑर्डर था बट 104 ही का डिमांड आया, उतना ही सेल कर पाया, सो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 1। बेस्ड ऑन दिस क्लोजिंग स्टॉक वी विल डिसाइड द ऑर्डर टू बी इनिशिएटेड। सो ऑर्डर इनिशिएटेड विल बी 100 और 105 बेस्ड ऑन प्रीवियस डे सेल्स। 103 का सेल्स है, 103 105 के बाजू में है, 100 के बाजू में है, 105 के बाजू में है, सो अपन 105 का ऑर्डर देंगे। चलो वन डे ओल्ड स्टॉक कितना है मेरा, अब ये देखो ये इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ये इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। समझू? समझू सर। अब इसके लिए रैंडम नंबर फॉर फोर्थ डे कितना है देखो जरा, फोर्थ डे का रैंडम नंबर इज 38, सो वी विल से 38। 38 के लिए कितना सेल्स है? द आंसर इज जीरो, सो वी विल से जीरो एंड ये भी मेरा स्टेल हो जाएगा। सो इधर चू, समझू? समझू सर, अब एकदम परफेक्टली क्लियर होते जा रहा है सिस्टम। तो सिस्टम सेट करना बहुत जरूरी है, सिस्टम सेट करना बहुत जरूरी है। चलो अब ये 105 इधर आ जाएगा, सो वी विल राइट योर 105, करेक्ट है? ओके। 24 का रैंडम नंबर है, सो डिमांड ऑफ फ्रेश केक कितना आ जाएगा मेरा फॉर 24? द आंसर इज 105, सो वी विल राइट 105। सेल हुआ 105 का बिकॉज उतना ऑर्डर था उतना डिमांड था। क्लोजिंग स्टॉक विल बी जीरो, क्लोजिंग स्टॉक इज जीरो, 110 इज टू बी ऑर्डर्ड। यस, परफेक्ट। अच्छा वन डे ओल्ड स्टॉक इधर से खींचेंगे तो इधर 1, सो वी विल हैव टू फाइंड आउट कि मेरा कितना है 50। सो 50 इज माय रैंडम, वी कैन से रैंडम नंबर 50 के लिए इज अगेन जीरो, सो वी विल से जीरो, ये हो जाएगा मेरा स्टेल, वी विल राइट इट योर। अच्छा चलो मोर 5 टू लर्न। अब देखो फर्स्ट 5 को जितना टाइम लगा ना, नेक्स्ट 5 को ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं लगेगा, समझ रहे तुम बात को? सो दैट इज व्हाट इज टू बी कैप्ट इन माइंड कि भाई क्या किस हिसाब से पेस आउट करने वाले अपन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सिस्टम सेट है तो मेरे को फटाफट खाली लिखते जाना है। तो देखो 110 इधर मैं डिमांड 35 के सामने देखता हूं, सो 35 का है मेरा 106, सो ऑलरेडी 106 सेल 106 का ही होगा, 4 का क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा, नियर बाय मेरा 106 है, सो 105 दिस इज द पेस दैट यू हैव टू कैच। तुम बोलोगे अरे सर क्या फटफट बोलोगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, अब आना चाहिए, अब तो खुद से ही करना। अब ये वीडियो अगर आगे तक तुम लोग एंटर देख रहे हो ना मेरा पूरे सम सॉल्विंग का, तो धिक्कार है तुम्हारे पे, यू शुड नाउ बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व इट। तो बंद करो वीडियो, पूरा खुद से अभी ये सम सॉल्व करने का स्टार्ट करो, एंड तक पूरा सॉल्व करो, फिर वीडियो का एंड वाला पार्ट देख लो कि सोल्यूशन मैच हो रहा है कि नहीं। समझियो क्या? चलो
फिर वन डे ओल्ड स्टॉक कितना है मेरा, जीरो, तो डैश डैश डैश। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट, 106 105 का ऑर्डर दिया था, 105 आ गया, 29 का मेरा डिमांड है, अगर मेरे रैंडम नंबर है, 29 के रैंडम नंबर के लिए 105 का डिमांड आता है। सो इधर लिख दिया 105, अच्छा ठीक है, सेल कितना कर पाएंगे 105, क्लोजिंग स्टॉक 0110, दिस विल कम हियर, सो 4 रैंडम नंबर देखते हैं इसका कितना है, करस्पॉन्डिंग टू 29, रैंडम नंबर करस्पॉन्डिंग टू 29, सो 82, सो सेल कितना होगा 82 का, सेल है कितना 1, सो विल राइट हियर 1, तो मतलब स्टिल लॉस कितना हो गया 3, समझू सर, अच्छा ओके चलो नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट 110 का ऑर्डर आ जाएगा, 33 33 33 33 33, 105 सेल, 105 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 5, ऑर्डर रिसीव हुआ 110 का, डिमांड आया 105 का, तो 5 का क्लोजिंग स्टॉक, ऑर्डर इनिशिएट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दिस, इट वाज लास्ट डे सेल्स 105, समझ रहे हो ना तुम लोग, अच्छा फिर वन डे ओल्ड स्टॉक, अभी वन डे ओल्ड स्टॉक कितना है, जीरो, तो डैश डैश डैश। नेक्स्ट मेरा ऑर्डर इनिशिएट 105, सो ऑलरेडी 105, 37 के लिए कितना आता है, 37 के लिए 106 का डिमांड है, बट 105 का ही सेल होगा, सो जीरो का क्लोजिंग स्टॉक, जीरो का क्लोजिंग स्टॉक, तो 110 इधर आ जाएगा इमीडिएटली, दिस विल बी 5, रैंडम नंबर करस्पॉन्डिंग टू 37 का, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं ना, होना भी चाहिए, मैंने क्या बोला था, ये आपको ही ट्राई करना है, एक बार सिस्टम मैंने सेट कर दिया उसके बाद में, राइट 37 का 44, सो 44 का है जीरो, सो डैश, सॉरी 44 का है जीरो, एंड ऑल द 5 विल बिकम अ स्टेल, गच्चा, यस गच्चा, ओके चलो नेक्स्ट, 110 168 का डिमांड आता है, 107 का सेल, 107 का होगा, 3 का क्लोजिंग स्टॉक, अब ऑर्डर इनिशिएट करेंगे अपन कितना, बेस्ड ऑन दिस, सो 105 नियरेस्ट वही है, ये जीरो डैश डैश, आई थिंक लास्ट एक बचा है, नो वेरा बिंगो, अच्छा एक सेकंड ना, तो फिर आई हैव मिस समथिंग, 33 37 68 माय मिस्टेक मैन, ट्रांसपोजिशन एरर हो गया, तो गंदा वाला, देखो इधर दिख रहा है तुम लोगों को, 37 33 68 है, मैंने कर दिया 33 37 68, आई होप कि 33 और 37 का सेम रैंडम नंबर हो, बिकॉज देन फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, 37 एंड 33, इट्स डिफरेंट, 105 106, सो गेम बदलेगा भाई, गेम बदलेगा, सो ये डिमांड मेरा हो जाएगा, आई एम अ चैंपियन, अपने को फटाफट, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है रे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो अपन डरता नहीं है करके, समझे क्या, तुम लोग जैसा नहीं, अभी क्या कुछ नहीं होगा, ये तो होते रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती रहती है, ऐसा नहीं हो रही, 37 विल बी 106, सो ओपन इसको 106 कर देंगे, सेल हो जाएगा 106 का, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 4, बस ये इधर हो जाएगा 4, एंड सामने लॉस हो जाएगा 4 का, लॉस हो जाएगा 4 का, ठीक है, ओके सर, ऑलराइट, नेक्स्ट 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 और क्या है, सो ये 106, ये 4 इधर, इधर 105 ऑर्डर इनिशिएट करेंगे, क्योंकि वो तो वही रहेगा, जीरो, सो नो टेंशन,
चलो अब इधर ये 33 हो गया, तो 33 का 105 हो जाएगा इधर 106 की जगह पे। सॉरी 105 हो जाएगा, राइट। सो 33 का 105, यस। सो 105 का सेल क्लोजिंग स्टॉक जीरो, डन। बाकी सब तो फिर वही रहेगा, सो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट द क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक बचता है 3 का, तो अब फाइनल एक नेट प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा बॉस, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे आपको। ऐसे है क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो, कैलकुलेट द वेंडर्स प्रॉफिट, गेम खत्म। कैलकुलेट द वेंडर्स प्रॉफिट अपने को बताना है, तो चलो आओ वेंडर्स का प्रॉफिट में रहते हैं। बट उसके पहले ये सब लोगों को समझ में आ गया चो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा एक चीज है, तुम लोग अगर पता हो ना, तो मैंने अभी क्या गूफ अप किया था, 33 37 मैंने रैंडम नंबर ऊपर नीचे ले लिया था। अब उसकी वजह से हुआ क्या, ये जो 44 है ना, मैंने 37 के करेस्पॉन्डिंग वाला ले लिया, विच वॉज देन ऑब्वियसली वो भी रॉन्ग ही होगा आई एम श्योर। सो ये भी एक मैं प्लीज देख लेता हूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो ये इधर इंस्टेड ऑफ, मैं इसको रेड से ही चेंज कर देता हूं, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ दिस। तो दिस क्या रहेगा, 33 का करस्पॉन्डिंग मेरे को देखना है, 33 का करस्पॉन्डिंग में 89 आएगा, है ना। सो 33 के करस्पॉन्डिंग में 89 आएगा, एंड 89 का इट इज 1, सो वी विल राइट इंस्टेड ऑफ 0 वी विल राइट हियर 1। सो इधर अपन लिख देंगे 1, एंड इंस्टेड ऑफ 4 इधर लिख देंगे 3, ठीक है। बाकी सब परफेक्ट है, डोंट वरी, यस। चलो भाई करें वेंडर्स प्रॉफिट कैलकुलेट। सो मिस्टर वेंडर, टाइम फॉर यू टू बी हैप्पी, बिकॉज अब हम आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले हैं। आर यू रेडी? चलो, सो सबसे पहले कितना अपना सेल्स हुआ है, कितना केक सेल्स हुआ है, टोटल कैन आई से यहां से मुझे सेल्स मिल जाएगा, और हर सेल पे मैं 2.5 कमा रहा हूं करके, हर सेल पे मैं 2.5 कमा रहा हूं ना। सो मेरा सेल टोटल कितना हुआ है, और हर सेल पे मैं कमा कितना रहा हूं, 2.5। समझू समझो सर। अच्छा सेल कितना हुआ है वो देखो फटाफट, 105 105 plus 108 plus 103 plus 104 105 106 105 106 105 107 1054। सो 1054 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 2635 इज इक्वल टू 2635। ओके गॉट इट, चलो समझ में आ गया। अब क्या है देखो, ये सेल, ये भी सेल है, तो कहने से ये भी मैं ऐड कर दूंगा सेल में, करेक्ट ना। मैंने क्या किया है बताया, मैंने सीधा जो भी यूनिट सेल किया है उसका वो सेल से मुझे कितना प्रॉफिट रहा है वो लिखा है। अब ये वाला जो सेल है ना, ये वाला जो सेल है ये भी मैंने सेल किया है, कितना यूनिट सेल। सो मैं इधर बोल दूंगा कि ओल्ड स्टॉक का सेल है ये, ओल्ड स्टॉक का सेल है ये भी मैंने सेल किया है 2 यूनिट्स, बट ये मैंने लॉस में सेल किया है, प्रॉफिट में नहीं। मैंने बाकी सब प्रॉफिट में सेल किया है, बट यहां पे ये मैंने प्रॉफिट में सेल किया है, बट यहां पे देखो क्या बोला है वो लोग ने कि जो मेरा ओल्ड स्टॉक है कैन बी सोल्ड एट 2 पर पीस। अब मैंने 4.5 में मैंने मंगाया था एंड 2 में मैंने बेचा, सो कैन आई से मेरे को 2.5 का लॉस हो जाएगा ना। सो ये हो गया लॉस, ये हो गया 5 का लॉस। समझू समझू सर, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में क्या आता है, ओहो उसके बाद में आपका क्वेश्चन देखो सर। हाँ अब आता है मेरा ये लॉस, ये तो प्योर प्योर लॉस है, सेल नहीं हो पाया, मैंने खरीद लिया बट सेल ही नहीं हो पाया, तो कितना है 2 plus 2 plus 1 plus 3 plus 3 plus मेरे पास जो इधर क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसको भी मैंने डीम किया है कि वो सेल नहीं हो पाया। सो प्लस 3 विल बी इक्वल टू 14।
सो अनसोल्ड मेरा कितना रह गया 14 मल्टीप्लाई बाय एक को मंगाने का 4.5, सो कितना होता है 14 × 4.5 वर्क्स आउट टू 63। ये मेरे को बताएगा मेरा नेट प्रॉफिट, नेट नेट फाइनली कितना हुआ 2635 माइनस 5 माइनस 63 इज इक्वल टू 2567 डन 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 इज माय फाइनल नेट प्रॉफिट। देखो क्या मैच हो रहा है क्या, इट्स डन। और एक पॉइंट लिखा है, इट इज अज्यूम दैट थ्री केक्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट सेलेबल। हमने भी यही अज्यूम करके ये प्रॉफिट लाया है, समझी गुडू। देखो अब वापस से मैं बोलता हूं, 101054 केक्स मेरा सेल हुआ, हर केक पे ₹2.5 का प्रॉफिट कमाया, दो मेरा ओल्ड सेल हुआ, वो दो पे मैंने ₹2 में बेच दिया। सो 4.5 की चीज ₹2 में बेच दी, मतलब 2.5 का बेसिकली मैंने लॉस इंकर किया। एंड जो अनसोल्ड रहा इसमें मैंने 11 जो अनसोल्ड है प्योर प्लस 3 जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है उसको अश्यूम कर लिया कि वो सेल नहीं होगा, हर एक मैंने खरीदा था 4.5 में सेल ही नहीं हुआ, उतना मेरा पूरा लॉस। नेट प्रॉफिट घूम फिर के हो जाता है कितना 2567 का मेरा नेट प्रॉफिट आता है। बधाई, वेल डन, सम डन एंड डस्टेड, थैंक यू। देख सकते हो आप, थैंक यू। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। एवरीथिंग इज सेम ऑफ दिस क्वेश्चन, एवरीथिंग इज सेम, जी हां, यू हैव दैट राइट। देखो ये वाला क्वेश्चन जो अभी अपन ने किया था उसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं है, खाली एक लाइन, खाली एक लाइन। देखो क्या, केक वेंडर बाइज pieces of cake every morning at 4.5 by placing his order one day in advance and the main line award goes to at the time of receiving his previous order। ये line की वजह से question का interpretation change किया ICAI ने and solution change किया। क्या change हुआ मैं अब आपको बताऊंगा। चलो and sells them at 7 each, unsold cake can be sold at next day at 2 per piece, after that it will be treated as no value, fresh cake probability same way be, everything is same, use the following set of random numbers, वो भी सेम है करके। Vendor adopts the following rule, if there is no stock 110 otherwise 100 or 105 starting with zero stock pending 105 pieces, everything is same, खाली वो एक लाइन चेंज किया एंड उसका इंपैक्ट क्या आएगा अब मैं आपको बताऊंगा। यहां पे इंपैक्ट कुछ ये आएगा कि देखो 37 का तो फ्रेश स्टॉक 105, अच्छा इसकी वजह से डिमांड आया मेरा 106 का, वो मेरे को पता चल गया, ये रिसीव हुआ, मेरे को ये रिसीव हुआ डिमांड 106 का, मैं सेल 105 कर पाऊंगा, क्लोजिंग स्टॉक जीरो, ऑर्डर इनिशिएटेड, पूरा गेम किसके वजह से बदलता है, ऑर्डर इनिशिएटेड, ये जो भी पूरा हो रहा है वो उसका इंपैक्ट इधर आ रहा है ऑर्डर इनिशिएटेड पे। वहां पे ऑर्डर इनिशिएटेड में अपन ये वाला क्लोजिंग स्टॉक ऐसे कर देते थे, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो ऑर्डर इनिशिएट होगा वो लास्ट डे के क्लोजिंग स्टॉक पे होगा, तो यहां पे 110 कैसा है पता है, बिकॉज लास्ट डे पे जीरो है ऐसा वो लोग ने क्वेश्चन में बोल दिया है। देखो ये वाले पॉइंट पे स्टार्टिंग विद जीरो स्टॉक, मतलब लास्ट टाइम, मतलब कल मेरा ओपनिंग स्टॉक जीरो था, क्लोजिंग स्टॉक जीरो था, ये इधर 105 क्यों आया, ये 2 की वजह से, ये देखो इधर 110 क्यों आया, ये 0 की वजह से। सो ऑर्डर इनिशिएटेड उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना है, उसके पहले वाले दिन का क्लोजिंग स्टॉक लेना है। अब कहां से ये इंटरप्रिटेशन आया, यहां से, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग हिज प्रीवियस ऑर्डर, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग, वो ऑर्डर कब देता है वन डे इन एडवांस, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग हिज प्रीवियस ऑर्डर। सो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है, देखो एट द टाइम ऑफ रिसीविंग इज ऑर्डर, मतलब ये अब इसके पास 105 तो मॉर्निंग में आ जाएगा, तब भी वो अगले दिन का ऑर्डर दे देगा, जिसकी वजह से मेरे पास ये वाला क्लोजिंग स्टॉक, ये तो क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑफ द डे, ये तो मेरे पास अभी अवेलेबल ही नहीं है, तो मेरे पास क्या क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है, प्रीवियस डे का। यहां पर 110 आया ना,
इस पॉइंट पे मुझे बता देना है कि व्हाट शुड आई ऑर्डर। अब अगर ये 110 आया है तो आइडियली ये क्लोजिंग स्टॉक तो मुझे उस दिन पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, प्रीवियस डे का स्टॉक देखूंगा। ये 110 मैंने ऑर्डर कर दिया है, अच्छा ये यहां से आया है, ठीक है। अब ये 110 मेरे पास आ गया, अब मेरे को कल का ऑर्डर करना है। अब कल का ऑर्डर करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये क्लोजिंग स्टॉक को देखूंगा। माइंड बॉगलिंग यार, माइंड बॉगलिंग। आई सी है, टेक अ बाउ, समझे क्या तुम लोग। सो स्टार्टिंग विद जीरो स्टॉक एंड पेंडिंग ऑर्डर ऑफ 105 पीसेस, तो सॉरी ये लाइन, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग इज प्रीवियस ऑर्डर, मतलब समझो मेरे को ये इधर मेरे को प्रीवियस ऑर्डर, मेरे को ये ऑर्डर आ गया, तो आज जब मेरे पास ये ऑर्डर आ रहा है तभी मेरे को इसको बता देना है कि मैं कितना ऑर्डर करूंगा। अब आज जब मेरे पास मॉर्निंग में ऑर्डर आ गया तो मेरे पास आज का क्लोजिंग स्टॉक तो अवेलेबल नहीं है, मेरे पास तो कल का क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है। उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि आज क्या ऑर्डर जाएगा। अभी जो लाइन बताया ना मैंने, लेट समझ इट अप, वापस से मैं बोलता हूं, देखो यहां पे जब मेरे पास ऑर्डर आया तभी मेरे को उसको बता देना है कि अब नेक्स्ट डे के लिए मैं क्या ऑर्डर दूंगा। अब नेक्स्ट डे के लिए क्या ऑर्डर दूंगा उसका वो डिपेंडेंसी क्लोजिंग स्टॉक पे। यहां पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक 5 है, बट ये तो एंड ऑफ द डे पे पता चलेगा। आई हैव टू टेल हिम टुडे, राइट नाउ आई हैव टू टेल हिम के व्हाट इज गोइंग टू बी माय ऑर्डर फॉर टुमारो। सो ऑब्वियसली मेरे पास ये वाला क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं है, सो आई विल फॉल बैक ऑन यस्टरडेज स्टॉक, जिससे मैं आज का ऑर्डर इनिशिएशन करूंगा, समझे। एंड दैट इज वेयर मेरा जो ऑर्डर इनिशिएशन है वो चेंज होगा, एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से जो फ्रेश स्टॉक आने वाला है उसमें चेंज होगा, एंड दैट इज हाउ माय होल सम विल चेंज। समझ गया ना, बाकी एवरीथिंग इज सेम, सो नॉट टू वरी देयर, बट ये जो चेंज था वो मैंने बता दिया। एंड ये वाला इंपैक्ट कब आएगा, जब मैं ये वाला इंपैक्ट कब आएगा, जब मैं एट द टाइम ऑफ रिसीविंग हिज प्रीवियस ऑर्डर, ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा, एंड उसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। फिर भी आपको कोई डाउट हो, योर फ्रेंड सी संकल्प कांस्टिया इज ऑलवेज विद यू माय फ्रेंड, यस, ठीक है, चलो ओके। उस हिसाब से प्रॉफिट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो भी आएगा, दैट इज व्हाट यू कैन सॉल्व एंड फाइंड आउट। वाओ यार, अल्टीमेट सम एंड अल्टीमेट सोल्यूशन। एनीवेज विद दिस वी आर डन विद दिस सम ऑल्सो, आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।